रचु सुसमाचार 14वां अध्याय मैथ्यू चैप्टर 14 और उसकी 22वीं आयत से नीचे हम पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी बाइबल में फॉलो करें, अपनी बाइबल खोलें या स्क्रीन पर देखें। मत्ती रचु सुसमाचार 14 अध्याय 22वीं आयत से आगे उसकी हम 33वीं आयत तक पढ़ेंगे। ये भाग बहुत ही परिचित भाग है, अनेक संदेश आपने सुने हैं। आज सुबह विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हमारी ज़रूरत के अनुसार फिर से हमसे बात करने जा रहा है। आइए 22 से लेकर 33 तक मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 22वां वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया।
चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो वह हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर प्रभु की आशीषें होने पाए। एक पुराना एक ऐसा संदेश है जो काफी समय पहले या काफी साल पहले परमेश्वर ने दिया था, पर इस महीने में, मई महीने में, परमेश्वर ने मुझे इस अध्याय पर दोबारा मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए विवश किया। और एक जगह जब प्रभु ने भेजा तो यही संदेश देने की प्रेरणा दी, और आज सुबह के लिए प्रभु ने यही इसी भाग में से संदेश यहाँ देने को कहा है। जो संदेश हम सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक होगा आंधी का मकसद, पर्पस ऑफ द टेम्पेस्ट। आंधी का मकसद, सब लोग मिलकर बोलें, क्या है आज के संदेश का शीर्षक? आंधी का मकसद। तो बहुत प्रार्थना पूर्वक प्रभु की आवाज को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आपके जीवन की अवस्था को नहीं जानता, पर प्रभु जानता है, और वो प्रभु हमारे बीच में आदर के योग्य है। उसका सिंहासन यहाँ तैयार है, वो हमारे बीच में चल फिर रहा है। प्रभु हमसे जरूर बात करेगा। हालेलुया। आंधी का मकसद, द पर्पस ऑफ द टेम्पेस्ट। कुछ पॉइंट्स इन आयतों के अंदर से मैं आपके बीच में रखूंगा। पहला प्रश्न तो ये उठता है कि क्या आंधी का भी कोई मकसद होता है? आंधी का मकसद कैसे हो सकता है? अभी आंधी आई थी उड़ीसा में, क्या नाम रखा था उसका? है फानी, फानी, फनी, पता नहीं, इतना मालूम है एफ ए एन आई था, है ना? हाँ, देखो यहाँ पर कई लोग अलग अलग ढंग से बोल रहे हैं, कोई फैनी बोल रहा है, कोई फनी बोल रहा है, कोई फानी बोल रहा है, अब पता नहीं क्या बोलना चाहिए। जो भी बोलो, अभी तक तो अंदाजा भी नहीं लगा है, अभी तक पूरा कैलकुलेट नहीं हो पाए कि कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ है उड़ीसा को। हालांकि सरकार ने बहुत ही अद्भुत ढंग से काम किया, तूफान के रास्ते से करीब 12 से 14 लाख लोगों को कुछ ही घंटों में हटा दिया। ऐसा ही तूफान जब इससे पहले 20 साल पहले आया था तो 10,000 लोग मरे थे ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, जबकि वहां के लोग कहते हैं कि 20 से 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस बार भी इतने लोग खत्म हो जाते, पर सरकार ने ये जो प्रोएक्टिव कदम लिया, पहले से तैयारी में एनडीआरएफ के टीम्स को लगाकर जो कदम लिया और इतने लाखों लोगों को तूफान के रास्ते से हटा दिया, इसलिए मरने वालों की गिनती बहुत कम हो गई। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ी समस्या से बच गया। मरने वालों की गिनती शायद 60 के आसपास, वरना तो कितने हजारों में लोग खत्म हो जाते। पर जो माल का नुकसान हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो नुकसान हुआ है, जो वहां नुकसान हुआ वो तो हजारों हजारों करोड़ों रुपए में है। वहां के जो नेता हैं उन्होंने केंद्रीय सरकार से कई हजार करोड़ रुपए की मदद मांगी है, जो अभी तक पूरा सैंक्शन नहीं हुआ है। तूफान तबाही मचाती है, तूफान आंधी से तबाही होती है, बर्बादी होती है, उससे कुछ अच्छा कैसे निकलेगा? पर आज जो संदेश हमारे बीच में आ रहा है उस संदेश का शीर्षक है आंधी का मकसद या तूफान का मकसद।
हम क्यों कह रहे हैं कि कोई मकसद होता है? वो उसकी 22वीं आयत में उसका जवाब छिपा हुआ है। 22वीं आयत में ऐसा लिखा है, और उसने, किसने? यीशु ने तुरंत अपने चेलों को विवश किया, बरबस नाव पर चढ़ाया, मतलब विवश करके जबरन नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। गलील की झील को पार करने की बात यहां हो रही है। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या किया? विवश किया। विवश क्यों किया? और फिर लिखा है 23वीं आयत में कि यीशु मसीह स्वयं जो है पहाड़ों के बीच में एकांतता में प्रार्थना के लिए चले गए। शायद किसी का मोबाइल बज रहा था, उसको बंद कर दीजिए, उसको साइलेंट कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, कुछ तो कीजिए कि कोई ऐसी आवाज़ बीच में ना आने पाए और परमेश्वर के वचन में कोई विघ्न ना हो। तो यीशु एकांतता में प्रार्थना के लिए चले गए और इधर चेले नाव में उस पार जाने की यात्रा पर निकल गए। पर 24वीं आयत में हम देखते हैं क्या लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। तो जब चेले निकल गए तो वो आंधी में फंस गए। इसके जो पैरेलल पैसेजेस हैं, इसी घटना के जो पैरेलल पैसेजेस बाकी सुसमाचारों में हैं, कभी समय मिले तो आप उसको पढ़ना और विवरण आपको मिल जाएगा। यीशु के चेले आंधी में फंस गए। यीशु के चेलों में कई पेशेवर मछुआरे थे, उनको आंधियों से कोई तकलीफ नहीं होती, वो आंधियों से निपटना जानते हैं और आंधियों के बीच में भी नाव को संभालना जानते हैं। पर यहाँ पर ये लिखा है कि वो ऐसा फंस गए कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो नाव को खे नहीं पा रहे थे, उनकी प्रगति रुक गई, वो चहुं ओर से तूफान से घिर गए और फंस गए। प्रेज द लॉर्ड। अब देखो, हमारे दिल में ऐसा आता है कि मैं प्रभु की अगुवाई प्राप्त करके अगर आगे बढ़ूंगा तो मेरा सफर अच्छा रहेगा। इसलिए तो कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, हाँ या नहीं? और अगर बाय चांस प्रार्थना किए बिना कोई बाहर चला जाता है तो उसको भी हम वापस बुलाते हैं और कहते हैं, नहीं, हम इतनी लंबी यात्रा पे निकल रहे हैं, हम शहर से बाहर जा रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं, तो हमें प्रार्थना करके ही निकलना चाहिए। बताइए क्यों प्रार्थना करते हैं? हम इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि रास्ते में कोई बाधा ना हो। हमारे मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा विश्वास है कि प्रार्थना करके जाएंगे तो यात्रा अच्छी होगी, कोई बाधा नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, हम सही सलामत पहुंच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर सच्चाई तो यह है कि हम परमेश्वर की संतान अगर हैं तो प्रार्थना किए बिना भी चले जाएंगे ना तो परमेश्वर की हिफाजत हम पर उसी तरह बनी रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रार्थना किए बिना जाओ, पर यह मत सोचना कि आपकी प्रार्थना के कारण कुछ प्रभु आपके लिए कर रहा है। प्रभु, आप प्रार्थना नहीं भी करेंगे और अगर आप प्रभु के साथ संतान और पिता के रिश्ते में जुड़े हुए हैं तो आपके कहने के कारण नहीं, आप जब सोते हैं ना तब भी प्रभु आपके लिए जागता है। इज़राइल का रक्षक ना सोता है ना ऊँगता है। हमारी प्रार्थनाओं के कारण हम परमेश्वर से सुरक्षा कभी कमाते नहीं हैं। परमेश्वर की सुरक्षा हम पर बनी है क्योंकि हम उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां हैं। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिलने पाए। इसलिए किसी दिन अगर गलती से प्रार्थना किए बिना घर से चले जाते हैं और रास्ते में शैतान ऐसा विचार लाता है, देख तू आज प्रार्थना किए बिना निकला है, आज तो बिगड़ने वाला है, आज तो पंक्चर होगा, आज तो एक्सीडेंट होगा। मैं जानता हूँ हमेशा शैतान ऐसे मौक़ों का इस्तेमाल करता है और प्रभु के लोगों को सताता है। तो उस समय आप जवाब देना कि मैं अगर प्रार्थना करके नहीं निकला हूँ, मेरा पिता अभी भी मेरा पिता है और मेरा पिता मुझे संभाल रहा है। तू अपना काम देख, तू अपने रास्ते जा। होता क्या है,
हम एकदम से उसकी बात में फंस जाते हैं और डर जाते हैं। सही बात है यार, प्रार्थना करके नहीं निकले अब तो कुछ बिगड़ेगा। होता यूं है, हमने उसकी हाँ में हाँ भर दी, इसलिए उसके लिए काम करने का रास्ता खोल दिया। हमने विश्वास से उसका सामना नहीं किया, उसको काम करने का मौका मिल गया, हमने ही उसके काम का रास्ता खोल दिया। इसलिए लिखा है शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। सामना करना और बोलना, मैं अपनी सुरक्षा कमाता नहीं हूँ, मैं अपनी सुरक्षा मुफ्त में पाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर ही नहीं, वो मेरा पिता भी है। चाहे तो ताली जाके परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी हम दोनों एक शहर में थे और एक प्रभु के दास से हम मिले, बहुत बड़े दुख में से होकर गुजरे थे। उनके दो जवान बेटे थे और एक एक्सीडेंट में उनका एक बेटा खत्म हो गया। तो हम जब वहाँ गए तो प्रभु के दास अपना अनुभव बता रहे थे, तो उन्होंने कहा हर रोज़, जवान थे कॉलेज में पढ़ते थे, हर रोज़ जब वो जाता था तो मैं उसके लिए प्रार्थना करके भेजता था, पर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ मैंने उसको प्रार्थना करके नहीं भेजा। तो ये चीज़ ना उनको खाए जाती थी, ये एक चोट सा उनको लगता था। हम उनके गम में शामिल हुए, हमने उनको उत्साहित किया, पर बाद में हम बात कर रहे थे तो मैंने जिसा से कहा, मैंने कहा कभी भी ऐसी बात को अपने आप को चोट करने मत देना, क्योंकि हम प्रार्थना करके भेजें केवल उसी दिन प्रभु की सुरक्षा नहीं रहती है। हालेलुया। हम उसकी संतान हैं, उसकी तो सुरक्षा हमारी आशीष है, ये तो बोनस है। चलिए हम बात पे लौट कर आते हैं कि हम प्रार्थना करके जब निकलते हैं तो हमें ये आश्वासन होता है कि मैं प्रभु की अगुवाई में निकला हूँ, मैंने प्रभु के हाथ में यात्रा सौंप दी है, अब मेरी यात्रा अच्छी होगी, बाधाओं का मुझे सामना करना नहीं पड़ेगा। पर यहाँ तो 22वीं आयत में लिखा है यीशु ने अपने चेलों को केवल जाने के लिए बोला नहीं, बल्कि जाने के लिए विवश किया, जबरन भेजा, केवल बोला नहीं जबरन भेजा, और उसके बावजूद भी नाव कहाँ जाकर फंस गई, आंधी में फंस गई। ये क्या मामला है? प्रभु मैं तो तेरी अगुवाई प्राप्त करके चला हूँ, मैं तो 7 दिन उपवास करके तुझसे अगुवाई प्राप्त करके निकला हूँ इस यात्रा में, तूने ही मुझसे कहा था जा ये काम कर, फिर ये आंधी क्यों आ गई? प्रभु में प्रिय संतों, अगर प्रभु से अगुवाई पाकर प्रभु के आदेश अनुसार आप किसी काम के लिए कदम बढ़ाते हैं और उस कदम में, उस यात्रा में, उस पथ पर कोई आंधी आती है, तो यकीन करना उस आंधी का एक मकसद है। वो आंधी यूं ही नहीं आई है। और ये भी याद रखना कि वो आंधी कभी भी उस पार पहुंचने से आपको रोक नहीं सकती है, बल्कि जैसे यीशु ने कहा लाजर के बारे में कि ये बीमारी उसकी मृत्यु के लिए नहीं परमेश्वर की महिमा के लिए है। आंधी का एक मकसद है, परमेश्वर आंधी के द्वारा भी और आंधी के बीच में भी अपनी महिमा प्रकट करता रहेगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर भी परमेश्वर मुजदास को सेवा के लिए भेजता है, और जिस कलीसिया में मैं सेवा करता भी था, वहां पर भी कोई भी कदम रखने से पहले, कोई भी खास सभा रखने से पहले, मैं बार बार लोगों को तंग भी करता हूं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अभी तो कई सालों से अगर कोई भी कलीसिया मुझे सेवा के लिए बुलाती है तो मैं उनसे कहता हूं 1 महीना चेन प्रेयर, 1 महीना चेन प्रेयर, कैसे, फास्टिंग के साथ। उसके बाद सभा के शुरू होने से पहले 72 घंटे नॉनस्टॉप प्रार्थना, उसके बाद सभा होगी, अगर आप तैयार हो तो ही बुलाना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए नहीं कि कोई आंधी ना आए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी भी कदम को करने से पहले प्रभु के साथ बातचीत करें, प्रभु से अगुवाई पाएं, प्रभु की हुजूरी में बैठ करके ताकत पाएं। हालेलुया।
पानी में चना गिर जाए तो कुछ समय के बाद वो चना भी फूल जाता है। तो प्रभु की हुजूरी में हम बैठे रहे तो कुछ समय उठते हैं तो बिल्कुल तगड़े होकर के उठते हैं। हालेलुया। किसी भी काम पर निकलने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर, जैसे वो चना पानी को अपने में सोख लेता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी उपस्थिति में से अभिषेक को, सामर्थ को, वचन को प्राप्त करके अपने अंदर समाकर चार्जअप होना कभी ना भूलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब एक आश्वासन आपके दिल में आ जाएगा, अब मैं यात्रा पर निकल रहा हूं, अब मैं इस काम के लिए कदम आगे बढ़ा रहा हूं। ये नहीं कि आंधी नहीं आएगी, आंधी भी आए तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। अब अगर आंधी भी आए तो आंधी को प्रभु के सामने झुकना पड़ेगा, और आंधी को अगर प्रभु के सामने झुकना पड़ेगा तो प्रभु के बंदे के सामने भी झुकना पड़ेगा। और यकीनन प्रभु के लोगों से पूछ कर देखो, ना जाने कितनी आंधियां आई पर वो झुक के निकल गई। परमेश्वर का काम तो आगे बढ़ता रहा। बोले प्रभु यीशु मसीह की, आज दोपहर पवित्र आत्मा को यहाँ बड़ी आज़ादी मिलने पाए, यीशु मसीह यहाँ ऊंचा होने पाए। सब लोग मिलकर बोले, आंधी का एक मकसद है। हालेलुया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि आंधी का एक मकसद नहीं, कई मकसद हो सकते हैं। चार पांच बातें हम यहाँ से देख लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। एक आयत को पढ़ेंगे, कौन सी आयत? 24वीं आयत को, 24। उस समय हाँ, नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। अब नाव फंस गई, लहरें ऊंची, आंधी। यहां लिखा है फॉर द विंड वॉज कॉन्ट्ररी, क्योंकि हवा सामने की थी, मतलब हवा उल्टी थी। उनको जाना वहां था और हवा यहां को थी, अर्थात हवा उनको आगे बढ़ने से रोक रही थी। आखिर प्रभु ऐसी परिस्थितियों में हमें जाने की अनुमति क्यों देता है? अनुमति, परमिशन। कई बातें परमेश्वर की चाहत नहीं होती हैं। कभी यह मत सोचना कि प्रभु आपको और मुझको दुख देना चाहता है। ना, कोई भी पिता अपने बच्चों को व्याकुल करना नहीं चाहता है, प्रशिक्षित करना चाहता है, पर अपने बच्चों को व्यर्थ में पीड़ा देना नहीं चाहता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हम बुरे होकर के अपने बच्चों के लिए अच्छा इंतजाम करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता उससे बढ़कर क्यों ना करेगा। परमेश्वर के साथ पिता की तरह, परमेश्वर को पिता की तरह हमेशा देखें और पिता की तरह उससे जुड़े रहें। हालेलुया। उस प्रेम में सदा बने रहें। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। कई लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है हमारा पिता है। प्रभु को महिमा मिलने पाए। ऐसी आंधी में प्रभु क्यों फंसने देता है? प्रभु ऐसी अनुमति क्यों देता है? क्योंकि अगर आंधी में हम फंस गए, ऊंची लहरों में हम फंस गए, विपरीत हवा में अगर हम फंस गए, तो हमें मालूम है कि यह इत्तेफाक से नहीं हुआ है, परमेश्वर को मेरी अवस्था की जानकारी है। परमेश्वर को मेरी अवस्था की जानकारी है। सत्य तो यह है कि हम अपनी अवस्था को जितना महसूस करते हैं उससे भी ज्यादा उस परिस्थिति को परमेश्वर जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हथेली हमारी है, ये हथेली मेरी है, पर इस हथेली पे कितनी लकीरें हैं ये मुझे नहीं मालूम। ये सर मेरा है पर इस सर पे कितने बाल हैं ये मुझे नहीं मालूम है। पर जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं, जो मेरा पिता है, उसको मेरे हथेली की एक एक लकीर का मालूम है। इसलिए मुझे अब ये लकीर किसी को दिखाकर बता दे भैया मेरे लकीरों में क्या लिखा है बोलने की जरूरत नहीं है। जिसने मेरी मुट्ठी और हथेली बनाई है, इस पर की लकीरें उसने खींची हैं, मेरा भविष्य कोई और नहीं बताएगा। जैसे ये मेरी मुट्ठी है, मैं परमेश्वर की मुट्ठी में सुरक्षित हूं, मुझे नहीं जानना मेरा
मेरा भविष्य है, ये मेरा सर है पर सर पे कितने बाल हैं ये मुझे नहीं मालूम, पर मेरा पिता कौन है? बाइबल कहती है मेरे सर के एक एक बाल को उसने गिन रखा है। तो परमेश्वर के जाने बिना और परमेश्वर से रिटर्न परमिशन लिए बिना कोई आंधी मेरे जीवन में कैसे आ जाएगी? कोई आंधी कैसे मेरे जीवन में आ जाएगी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बाल को गिरना हो तो प्रभु से अनुमति लेनी पड़ती है, तो आंधी कैसे आ जाएगी? आंधी से मैं चौंकता हूं, मेरा प्रभु चौंकता नहीं है। हालेलुया, उसने भेजा और आंधी आ गई। तो एक मकसद है, पहला मकसद ये कि वो हमें अच्छा नाविक बनाना चाहता है। He wants to make us an expert sailor. वो हमें अच्छा नाविक बनाना चाहता है। अगर मैं बोर्ड के ऊपर सोचो, मैं एक स्विमिंग कोर्स शुरू करूंगा, कौन सा? तैराकी का कोर्स, और मैं एडवर्टाइजमेंट दूंगा कि आओ आओ डॉल्फिन स्विमिंग क्लासेस। और स्विमिंग क्लासेस कहाँ चलाऊंगा मालूम? पास्टर राजेंद्र डेविड के ऊपर एक कमरा है ना, उस कमरे के अंदर आप दे देंगे डॉल्फिन स्विमिंग क्लासेस। और मैं स्विमिंग पता कैसे सिखाऊंगा? बोर्ड के ऊपर सिखाऊंगा। कैसे? बोर्ड के ऊपर व्हाइट बोर्ड लूंगा, पेन लूंगा, मैं उस पर लहरें बनाऊंगा, पानी बनाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे कूदना है, फिर मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा ऐसे ऐसे तैरना है। हर रोज 1.5 घंटे की क्लास होगी और 7 दिन तक सिखाऊंगा, 1.5 घंटे तक, और 7 दिन के बाद मैं सर्टिफिकेट भी आपको दे दूंगा कि डॉल्फिन स्विमिंग कोर्स आपने पूरा कर लिया है, और नीचे डायरेक्टर का साइन। कितने लोग तैयार है मुझसे स्विमिंग सीखने के लिए? रूठ गए क्या? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं फिर से पूछता हूँ, डॉल्फिन स्विमिंग कोर्स में शिबू के मथाई से स्विमिंग सीखने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अच्छा, मैंने अभी तो आपको ये नहीं बताया ना कि पानी में मैं भी कभी तैरा नहीं हूँ, मुझे भी तैरना नहीं आता है। हाँ, पर एक बात की गारंटी है, मैं आपको बोर्ड पर सिखा सकता हूँ। मैं आपको, आप बोलिए पास्टर जी सिखाइए, पर हम सीखना नहीं चाहते। हम उससे सीखेंगे जो पानी में उतरा है, और हम बोर्ड पे नहीं सीखेंगे। तैरना तो कहां सीखना पड़ता है? प्रेज द लॉर्ड। मेरी पत्नी बुरा ना माने तो एक ऐसी बात बोल दूं जिससे उनको बार बार चोट लगती है। मेरी पत्नी की बड़ी चाहत है कि वो कार चलाना सीखना चाहती है, और उनको पता नहीं किसने बता दिया कि मुझसे वो सीख नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो ड्राइविंग स्कूल में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? ड्राइविंग स्कूल में, और बाकायदा वहाँ का कोर्स भी पूरा कर लिया। ड्राइविंग स्कूल वालों ने पैसे भी लिए, सिखा भी दिया और सर्टिफिकेट भी दे दिया। अब देखो, उसमें जब वो सिखाते हैं तो पता क्या करते, एक आदमी वो साथ में बैठता है और हमें लगता है कि हम सीख गए। कई साल बीत गए इस घटना को, पर आज तक खुद से मेरी पत्नी गाड़ी नहीं चला पाई। सर्टिफिकेट हाथ में है, ड्राइविंग स्कूल में भी गई। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे थ्योरी में ड्राइविंग सीखने से कोई अच्छा ड्राइवर नहीं बनता है। दिल्ली की सड़कों पे अगर गाड़ी लेकर निकलना है तो उसके लिए खास तैयारी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आंधियों के बीच में क्यों हमें भेजता है? परमेश्वर हमको कागजी पहलवान नहीं बनाना चाहता है। परमेश्वर हमको ऐसे उस्ताद नहीं बनाना चाहता जिनके पास बहुत से सर्टिफिकेट तो हैं पर मैदान में उतर कर कुछ भी नहीं दिखा सकते। जो मेरी तरह जो है स्विमिंग कोर्स चलाने वाले हों, जिसने जो खुद कभी तैरा नहीं है, जिसको तैरना आता नहीं है, वो भी तैराकी सिखा रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता, परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जिनको वो इस्तेमाल कर सके। हालेलुया,
जिनको वो इस्तेमाल कर सके। प्रभु हमको ऐसा घोड़ा नहीं बनाना चाहता जो बाधाओं को देखकर लजाकर सर झुकाकर लौट कर आ जाता है। परमेश्वर हमको मैदाने जंग का घोड़ा बनाना चाहता है जो जंग की आवाज से घबराता नहीं है, उल्टा जब जंग की तुरही की आवाज सुनाई देती है तो ये घोड़ा आगे को भागने को विवश हो जाता है। परमेश्वर हमें लड़ाई का ऐसा घोड़ा बनाना चाहता है जो बाधाओं को देखता है तो ताकत भर के वो छलांग लगाता है और बाधाओं को पार कर जाता है। शांत लहरों में, शांत हवा में, शांत लहरों में इंसान नाविक तो बन सकता है पर उस्ताद और अनुभवी नाविक नहीं बन सकता। और जब तक हमारा ड्राइवर अनुभवी ना हो कौन उस गाड़ी में बैठेगा? हालेलुया। और अगर ड्राइवर अनुभवी हो तो हम केवल गाड़ी में बैठते नहीं है, आराम से सो भी जाते हैं क्योंकि हमको मालूम है मेरा ड्राइवर जो अनुभवी उस्ताद है वो संभाल सकता है। परमेश्वर हमको ऐसा ड्राइवर बनाना चाहता है, परमेश्वर हमको ऐसा नाविक बनाना चाहता है जो परमेश्वर के राज्य में किसी काम आए, जो शैतान की धमकियों के सामने ना झुके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आग में पका हुआ है वो धूप से क्या डरेगा? शैतान की धमकियों को सुनकर के डर कर छिपने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं चाहिए। परमेश्वर को बुलंद हिम्मत वाले तैयार लोगों की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर अपनी अनुमति से हमें आंधी में भेजता है क्योंकि आंधी में जब लहरों के बीच में हम फंसते हैं, उल्टी हवा के सामने हम आते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते तो छटपट आते हैं, बहुत कुछ होता है, पर नतीजा यह निकलता है कि हम लहरों के बीच में भी नाव को संभालना सीख जाते हैं, हम आंधियों के बीच में भी नाव को संभालना सीख जाते हैं, हम एक्सपर्ट अनुभवी नाविक बन जाते हैं। प्रभु को यहां महिमा मिले। बोलिए, आंधी का एक मकसद है। तो बताइए, हम आंधी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे या कुड़कुड़ाएंगे? अब जब आंधी आए तो बोलना, ओहो मेरे ट्रेनिंग का टाइम आ गया है, ओहो मेरे ट्रेनिंग का टाइम आ गया। अब जब आंधी में फंसोगे तो समझ जाना वो इशारा है ट्रेनिंग का, दोबारा ट्रेनिंग में घुसने का टाइम आ गया है। क्यों? परमेश्वर थोड़ा और ऊंचा ले जाना चाहता है। आगे जो सेवा है ना, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु अगर मुझे इस्तेमाल करना चाहे तो प्रभु पहले उसमें से मुझे ट्रेन करेगा। बीते सालों में कलीसियाई सेवकाई के अंदर एक प्रभु का दास होने के नाते, जैसे अक्सर कलीसियाओं के उन पासबानों को जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, बहुत सी कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। दिल्ली में शिफाले कलीसिया के अंदर जो वहाँ पर सेवकाई की 17-18 साल, उसके बीच में बहुत सी आंधियों का सामना करना पड़ा। दिल टूटा ही नहीं, ऐसा लगा रोड रोलर के नीचे किसी ने डाल दिया हो और ऊपर से रोड रोलर निकल गया हो। कितनी बार ऐसा लगा कलीसिया टूट गई, बट गई, सब कुछ खत्म हो गया, सेवा खत्म हो गई। कई बार मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के दासों को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता है। एक ही कारण है, परमेश्वर की सुरक्षा उनके ऊपर बनी रहती है। वरना ऐसे ऐसे ब्रेकडाउन में से गुजरते हैं, कोई गाड़ी होती तो दोबारा सड़क पे निकलने लायक नहीं होती। परंतु परमेश्वर का दास फिर भी चलता रहता है। उसकी एक ही वजह है कि परमेश्वर का कुछ खास अनुग्रह उनके ऊपर होता है। हालेलुया। दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण काम मेरे ख्याल से एक कलीसिया के मुख्य पासबान का होता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय मैंने सेकुलर वर्ल्ड में काम किया तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर मैं शिफ्ट इंचार्ज था, मालूम कहाँ, वो भी बंगाल में, जहाँ पर यूनियन बाजी होती है, जहाँ पर कम्युनिज्म है और जहाँ पर वर्कर्स, कोई बंगाली तो यहाँ नहीं है बुरा मत मानना, जहाँ वर्कर्स से काम निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो आते हैं तो सुबह से शाम तक पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, पॉलिटिक्स ना हो तो फिर फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। आप बंगाल में जाकर काम नहीं ले सकते, वहां पर वर्कर्स यूनियन बहुत तगड़ी होती है और फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। वहां पर शिफ्ट इंचार्ज के रूप में, एक इंजीनियर इंचार्ज के रूप में नौकरी की मैंने, प्रेज द लॉर्ड, पर वो काम भी अच्छे से कर लिया।
आज सेवकाई के आने के अंदर आने के बाद समझ में आता है वो सब काम कम चुनौतीपूर्ण थे। सबसे मुश्किल काम एक शहर की जिम्मेदारी को लेकर के एक दर्शन में कलीसिया को ले जाने वाले मुख्य पासबान की है। हालेलुया। तो कितनी बार ऐसी ऐसी आंधियों में फंसे जहां पर अपनों ने छोड़ दिया, जिन्होंने बोला था, कसम खा करके बोला था कि जब तक जीवित हैं आपका साथ सेवा में कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कहां को गए उनका पता नहीं चला। जिन्होंने कहा था वो हमें समझते हैं, उन्होंने भी हमें समझना छोड़ दिया। दसों बार बोला कि ये हम पक्षपात के बिना काम कर रहे हैं, परमेश्वर से सुन के काम कर रहे हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने छोड़ दिया। लगा कि कलीसिया टूट गई। हालेलुया। प्रभु ऐसा क्यों हुआ? पर जब भी पीछे मुड़कर देखते हैं, जब भी पीछे मुड़कर देखते हैं, यही समझ में आया है कि आगे की सेवाओं के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा था। हालेलुया। आंधी का प्रधान मकसद यह है कि परमेश्वर हमको एक उस्ताद नाविक बनाना चाहता है। प्रभु के लोग प्रभु के वचन की ओर ध्यान देते रहें, आगे बढ़ें। एक और बार हम 24वीं आयत को पढ़ें, एक और बार 24वीं आयत को पढ़ें। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। यहां लिखा है नाव कहां थी? झील के नाव कहां थी? झील के बीच। बट द बोट वॉज नाव इन द मिडल। आप कुछ लोग मदद कर दीजिए, उनको बाहर लेकर के जाए, परमेश्वर जो है अपनी महिमा वहां प्रकट करे। अद्भुत चंगाई और छुटकारा यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा अद्भुत काम उस बेटी के जीवन में होने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाथों को उठा के कुछ देर प्रभु को महिमा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और डिक्लेयर कीजिए कि कोई भी बाधा वचन की आशीष से मुझे वंचित नहीं कर सकती है। परमेश्वर जो कुछ मुझसे कहना चाहता है मैं सुनने को तैयार हूँ और मैं आशीष पाकर ही रहूँगा। एक बार डिक्लेयर कीजिए कि हे पवित्र आत्मा पूरी आज़ादी के साथ यहाँ काम कर, हम तैयार हैं, हमसे बात कर। एक बार डिक्लेयर कीजिए पवित्र आत्मा को यहाँ फिर से पूरा नियंत्रण मिलने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. और मेरी बाइबल में वहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, in the middle of the sea के लिए एक छोटा सा नोट वहाँ लिखा हुआ है। वहाँ पता क्या लिखा है? Away from the land, away from the land, मतलब किनारे से दूर। Praise the Lord। यानी सफर शुरू करके काफी समय बीत गया। यीशु मसीह उनके पास कब आए? रात के चौथे पहर, यानी भोर 3 बजे के बाद, भोर को 3 बजे के बाद। अच्छा, विदा कब किया था? विदा किया था शाम को 6 बजे, 6:30 बजे। और अब कितने घंटों के बाद? 5:03, करीब करीब 8 घंटों के बाद यीशु मसीह उनके पास आते हैं। यानी सफर शुरू हुए करीब 7-8 घंटे का समय निकल चुका है। वो झील के बीच में फंसे हुए हैं, पीछे का किनारा बहुत पीछे रह गया, आगे का किनारा पहुंच से दूर है, आजू बाजू पानी, सामने पानी, पीछे पानी। फंसे तो कहां फंसे? झील के बिल्कुल बीच में। इस पर थोड़ा सा विचार किया तो मुझे ऐसा लगा कहीं किनारे के पास में फंसे होते तो ये तो चेले ज्यादातर क्या जानते थे? तैरना जानते थे। तो वो तो पतरस किसी और की थोड़ी ना परवाह करता है, वो तो छलांग लगा के पहले तैर के किनारे पे पहुंच जाता। पर जब ये फंसे हैं तो किनारे से बहुत दूर बीच झील में फंसे हैं। हेलो, कितने लोगों को ऐसा लगता है यार फंसते हैं तो बहुत बुरा फंसते हैं? प्रेज द लॉर्ड। किसी को ऐसा लगा जीवन में कि यार फंसते हैं तो बड़ा बुरा फंसते हैं? वैसे सब लोग साथ में होते हैं पर जब फंसते हैं तो इधर देखते किनारा, उधर देखते किनारा, कहीं पर भी किनारा नजर। जब फंसते हैं तो जितने लोगों ने बोला होता ना, और चिंता मत करो हम साथ में, हम साथ में, फंसते हैं और देखते हैं कि वही लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं। है? अनुभवी लोग बोलते हैं कि कोई भी नहीं, कोई भी नहीं।
100% सही है। अगर प्रभु के लोगों को भी ऐसा लगे ना कि यार कैसी जगह आके फंस गए, कम से कम पास्टर को तो साथ देना था। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जब आपको लगे ना यार कैसे फंस गए यार, वैसे तो ये पास्टर समझदार है, समझते हैं, पर आज मेरी जरूरत का समय वो तक मुड़ के नहीं देख रहे हैं, वो तक नहीं समझ रहे हैं। Praise the Lord. तब आप इतना समझ लेना कि पास्टर फरिश्ता नहीं है, एक इंसान है, चार हाथ नहीं है, दो ही हाथ है, छोटा सा सर है, दो ही आंखें हैं, सीमित सी जिंदगी है, सुपरमैन नहीं है, कॉमन मैन है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सबको समझने की कोशिश करता है एक समर्पित पास्टर, पर वो चाहे कितनी ही कोशिश कर ले वो सबको समझ नहीं पाता है। एक पक्ष हमेशा ऐसा रहता है जिनको ये शिकायत बनी रहती है कि पास्टर भी नहीं दिख रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या इसका भी मकसद है, फंसाया आंधी में तो किनारों से इतना दूर? यस, एक मकसद है, एक मकसद है। आपका सहारा पास्टर नहीं है, आपका सहारा आपका बुलाने वाला परमेश्वर है। एक ऐसा व्यक्ति जो मुझसे बहुत प्यार करता था, जो मुझको अपना आत्मिक पिता समझता था, बहुत आदर करता था, सेवा में हमेशा साथ रहने का वादा किया था, कुछ साल पहले वो व्यक्ति मुझको छोड़कर चला गया। जब छोड़कर चला गया तो शायद इस दुनिया में मुझसे ज्यादा क्रूर और कोई उसको नजर नहीं आ रहा था। और उस व्यक्ति की शिकायत यह थी, पास्टर समझते नहीं है मुझको। जबकि अगर मैंने किसी को बहुत ज्यादा समझने की कोशिश की तो उन चुनिंदा लोगों में से वो एक व्यक्ति एक था। अब कौन समझाए, मेरी पत्नी गवाह बैठी है। उन गिने चुने लोग जिन पर मैंने अपनी सेवकाई में सबसे ज्यादा ध्यान दिया, केवल इस वजह से कि ये व्यक्ति सेवा में बहुत इस्तेमाल होगा, बहुत ज्यादा ध्यान दिया, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश की। कुछ सालों के बाद उसी व्यक्ति ने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैं बिल्कुल समझता नहीं हूं, आखिर मुझे भी छोड़ दिया और अपने रास्ते चला गया। मुझे बहुत खराब लगा, बहुत दुख हुआ मुझे कि प्रभु मैं कैसे समझाऊं कि मैंने बहुत समझने की कोशिश की थी, पर अगर आज मैं कोई कदम ले रहा हूं तो सेवकाई में परमेश्वर से अगुवाई पाकर ले रहा हूं। प्रभु मैं नहीं समझा सकता इस व्यक्ति को कि मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, तू हैंडल कर। वो व्यक्ति छोड़ के चला गया। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह मेरे पास मैसेज आया, पास्टर मुझे माफ करना, इतने सालों में मैंने कभी कोई सफाई नहीं दी, इतने सालों में क्योंकि मैंने तब बहुत कोशिश की, मेरी सारी कोशिशें फेल हो गई। इतने सालों में फिर मैंने कोई सफाई देने की कोशिश नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। पर अब उस व्यक्ति को समझ में आया कुछ, जो कि आज सुबह कई सालों के बाद वो व्यक्ति मुझे लिखता है, जो भी बातें हुई उसके लिए माफ करो, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का, प्रभु के दास का दिल जानता हूं, किसी भी प्रभु के दास का जो प्रभु की सेवकाई करना चाहता है, क्योंकि चाहे कोई भी प्रभु का दास हो वो है तो इंसान। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ना कहीं तो हमारे जीवन के अंदर कई कमियां होंगी, हम सुपरमैन तो नहीं है, पर एक समर्पित प्रभु का दास केवल दर्शन को पूरा करने की होड़ में रहता है। क्यों? दर्शन एक खुदा के बंदे को विवश करता रहता है। इस यात्रा में चाहे हम कितना ही किसी को समझने की कोशिश करें, कई बार हम सबको समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। अगर कभी ऐसा आपके साथ होता है तो आप सह लें, और सहने से बढ़कर एक बात याद रखें, इसका भी एक मकसद है। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं आंधी के बीच में फंसा हूं और अगर मेरी नाव किनारों से बहुत दूर है, मैं चारों तरफ आंख घुमाकर देखता हूं और मुझे कहीं कोई किनारा नजर नहीं आता है, तो इसका भी एक मकसद है। मकसद क्या है? पॉइंट नंबर टू, परमेश्वर हमें उस पर निर्भरता सिखाना चाहता है। परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि अगर निर्भर होना है तो मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक अगर किसी इंसान को प्रभु हमारे साथ खड़ा करता है तो यह अच्छी बात है, पर निर्भरता किसी इंसान पे नहीं, निर्भरता पैसों पे नहीं, निर्भरता हमारे ज्ञान पे नहीं, निर्भरता भीड़ पे नहीं, निर्भरता हमारे अनुभव पर नहीं, निर्भरता हमारी काबिलियत पर नहीं। मसीह जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर पर निर्भर होना है और पूरी तरह निर्भर होना है। प्रभु ऐसे मौके देता है जब हम किनारों से बहुत दूर हो जाते हैं और बीच पानी में फंस जाते हैं, ताकि हमें इस बात की ट्रेनिंग मिले कि जब किसी का हाथ तुझ तक नहीं पहुंचता है तब भी तू मुझ पर निर्भर हो जा। मैंने ही विवश किया था पार जाने को, तो मैं ही तुझे पार ले जाऊंगा। कोई कलीसिया नहीं ले जा सकती, कोई पास्टर नहीं ले जा सकता, कोई अगुवा नहीं ले जा सकता, कोई साथ का विश्वासी नहीं ले जा सकता। प्यारे भाई, प्यारी बहन, सुन लो आज प्रभु की आवाज, जिस आवाज ने आपसे कहा था, जिस आवाज ने आपको विवश किया था इस यात्रा को शुरू करने के लिए, उसी प्रभु पर निर्भर रहे, वही आपको पार तक ले जा सकता है। हालेलुया। ही वॉन्ट्स टू टीच अस टोटल डिपेंडेंस ऑन हिम। वो हमें अपने पर पूरी निर्भरता सिखाना चाहता है। पास्टर जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर प्रभु के लोग ये राज सीख लें तो शायद लोगों से जो हमारी शिकायतें होती है ना, वो शिकायतों की बड़ी लिस्ट फाड़ देंगे हम, वो बड़ी लिस्ट हम फाड़ देंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और उसकी 25वीं, 26वीं और 27वीं आयतों को पढ़ें। 25, 26, 27। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। हाँ। और कहने लगे यह भूत है। हाँ। और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। क्या आप साथ में हैं? तो थोड़ी सी और प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है रात के चौथे पहर, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 पहर बीत गए। नाव आंधी में फंसी हुई है, हवा उल्टी है, नाव आगे बढ़ नहीं रही, लहरों के बीच में नाव को संभालना मुश्किल हो गया। अब जब उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी है, अब जब कोई आशा बची ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तब अचानक से एक अनअपेक्षित समय पर, रात का चौथा पहर, सुबह 3 बजे के बाद,
क्या कोई अपेक्षा करेगा? अगर इतनी देर आप फंस गए तो पता आप क्या अपेक्षा करेंगे कि अब तो मैं मरने वाला हूं, अब तो मैं मरने वाला हूं, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब हम इतना बुरा फंसते हैं और किनारों से बहुत दूर हो जाते हैं तो शुरू में तो उम्मीद बनी रहती है कोई मदद के लिए आ जाएगा, कोई सहारा आ जाएगा, पर जब इतनी देर तक फंस जाते हैं तो उम्मीद नाउम्मीदी में बदल जाती है, फिर हम रिजाइन करते हैं, हमें लगता है कि अब बस अब होना क्या, यही तो होना है। प्रेज द लॉर्ड। जब सारी आशाएं खत्म हो गई, जब सारी अपेक्षाएं खत्म हो गई, जब अपेक्षाओं की कोई उम्मीद नहीं बची, अचानक से सब लोग बोले रात के चौथे पहर, बोलिए रात के चौथे पहर, एक अनपेक्षित समय पर, बोलिए अचानक से यीशु प्रकट हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप चाहे किनारे से कितने ही दूर क्यों ना हो, आप कितनी ही आंधियों के बीच में क्यों ना हो, आप कितनी ही ऊंचे लहरों के बीच में क्यों ना हो, जिसने आपको पार जाने के लिए विवश किया है, हालेलुया, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी वो अपने आप को आपके जीवन में प्रकट जरूर करेगा। ये उसका स्वभाव है, इस स्वभाव से आज तक वो बाएं दाएं हटा नहीं है। आपके जीवन की परिस्थितियां परमेश्वर के स्वभाव को तो नहीं बदल सकती ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो कहता हूं मेरी बीमारी को प्रभु तो ठीक करेगा, अगर मेरी बीमारी को प्रभु ठीक ना भी करे तो क्या वो यहोवा राफा नहीं है? उसका स्वभाव तो नहीं बदलता ना। प्रेज द लॉर्ड। उसका स्वभाव हम नहीं बदल सकते, परमेश्वर का स्वभाव हमारी परिस्थितियां नहीं बदल सकती है, और ये परमेश्वर का स्वभाव है कि उसको प्रकट होना पड़ेगा, हमारी दुहाइयों के जवाब में उसको प्रकट होना पड़ेगा, बस वो सही समय पर प्रकट होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सही समय पर प्रकट होगा, वो एक ऐसे समय पर प्रकट होगा जब कोई उम्मीद नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, वो आपको सिखाना चाहता है कि आप उसकी नजरों में हैं, वो आपको सिखाना चाहता है कि आप उसकी नजरों में हैं। मैं आपको एक आयत की तरफ ले जाऊंगा तो आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा, आश्वासन मिलेगा। और जब मैं इस प्रकार के वचनों की सेवकाई करता हूं तो जीवन के बहुत से अनुभव मुझे याद आ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे को ये मालूम है कि एक एक बात जो मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर ऐसा ही काम करता है, ना केवल इसलिए कि वचन में ऐसा लिखा है, पर इसलिए भी कि वचन में जो लिखा है बिल्कुल वैसा जीवन में एक बार नहीं बार बार अनुभव किया है, बार बार अनुभव किया है। और आज भी वचन शुरू करने से पहले एक अनुभव की गवाही दी है ना, है ना, यात्रा शुरू कर दी इंतजाम ने, उसके बाद प्रकट होना शुरू किया। हमारी यात्रा में यीशु प्रकट होना, अपने आप को यीशु ने प्रकट करना शुरू कर दिया। और जब जब वो प्रकट होता था हम सोचते थे शायद इससे बड़ा कोई अचंभा काम नहीं होगा, शायद इससे बड़ा कोई अचंभा काम नहीं होगा। और हर बार प्रभु जो है प्रकट होकर एक नया सरप्राइज देता था। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, उत्पत्ति 16 अध्याय खोल लिया, उत्पत्ति 16 अध्याय और उसकी 6वीं आयत से पढ़ें, 6वीं आयत से। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 6वां वचन। अब्राहम ने सारा से कहा, हाँ, देख तेरी दासी तेरे वश में है, हाँ, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। ठीक है। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। और हाजिरा अपने मालकिन के पास से भाग गई। सब लोग यहां पर हैं? प्रेज द लॉर्ड। और सारा से यानी जो मालकिन थी उसके सामने से तंग आकर कौन भाग गई? अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण कौन भाग गई? हाजिरा भाग गई। कहां को भागी? आगे पढ़ें। तब परमेश्वर यहोवा के दूत ने उसको जंगल में, हाँ, शूर के मार्ग पर जल के तब परमेश्वर के दूत ने उसको कहां जाकर पा लिया? जंगल में। सब लोग बोलिए जंगल में, जंगल में।
एक ऐसी जगह हाजिरा पहुंच गई। हाजिरा के लिए दुनिया में एक ही सहारा है, और उस सहारे का नाम क्या है? दुनिया में मनुष्यों में एक ही सहारा है, उस सहारे का नाम क्या है? अब्राहम। क्या है? अब्राहम। अब्राहम ने तक हाजिरा को छोड़ दिया। अब्राहम ने तक, मैंने पहले क्या सहारा बोल दिया था? नहीं ना, हाजिरा बोला ना। हाजिरा के लिए एक ही सहारा और वो है अब्राहम। अब अब्राहम ने भी हाजिरा को छोड़ दिया। अब्राहम के घर से हाजिरा को भागना पड़ गया। अब वो ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर अब्राहम की भी नजर उस पर नहीं है, सारा की भी नजर उस पर नहीं है, किसी की नजर उस पर नहीं है। वो भीड़ में, जंगल में, मरुभूमि में, एकांतता में अकेली है, उसकी परवाह किसी को नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पर वहां उसको किसने पा लिया? परमेश्वर के दूत ने उसको पा लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने वहां पर जब यह अनुभव पाया तो हाजिरा ने क्या कहा? 13वीं आयत से जरा पढ़ें, 16-13 से। तब उसने परमेश्वर यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतला रोई रखकर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? मैं पढ़ता हूं उसको यहां से। तब हाजिरा ने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी, सरल भाषा में बोलता हूं, एल रोई रखा। क्या रखा? हम गाते हैं ना, एल रोई एल रोई, आगे क्या होता है? ना ना ना, एल रोई मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर, एल रोई एल रोई। एल रोई मतलब एल परमेश्वर जिसकी नजर मुझ पर। ये नाम किसने रखा है? हाजिरा ने। और उसने क्या बोला? कि मैंने उस परमेश्वर को पा लिया है जो मेरा देखने हारा है। यानी जब किसी की मुझ पर रहम की कोई नजर नहीं है, इस मरुभूमि में भी मैं उसकी नजर में हूं। वो परमेश्वर एल रोई है, उसकी नजर मुझ पर बनी रहती है। यानी चाहे मैं आंधियों में फंसा हूं, चाहे मैं किनारों से बहुत दूर हूं, चाहे मुझे लहरें तंग कर रही हैं, मैं हूं तो परमेश्वर की ही नजरों में। हालेलुया। एक मिसाल के द्वारा प्रभु ने बात और अच्छी तरह समझाई। देखो, जब हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, रात का समय है तो टिमटिमाती बत्तियों के कारण थोड़ा हमें अंदाजा हो जाता है, पर दिन के समय क्या कोई किसी को दिखता है कोई हवाई जहाज? जबकि कितने हवाई जहाज ऊपर, यहाँ से धरती से करीब 10 किलोमीटर ऊपर, धरती से करीब 10 किलोमीटर ऊपर, 30,000 फीट से भी ज्यादा ऊपर ये हवाई जहाज उड़ते रहते हैं और हमारी किसी की नजर उस पर नहीं होती है। पर जिस वक्त से लेकर रनवे पर हवाई जहाज चलना शुरू करता है, तब से लेकर टेक ऑफ और टेक ऑफ के बाद पूरी यात्रा के दौरान, उसके बाद लैंडिंग के दौरान, जब तक वो टैक्सी करके एक जगह रुक नहीं जाता, तब तक वो हवाई जहाज कंट्रोल रूम के अंदर, जिसको ATC बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नाम का एक ऑफिसर है, उसके कंट्रोल रूम में रडार के स्क्रीन के ऊपर ये हवाई जहाज हर पल दिख रहा होता है। हालेलुया। हवाई जहाज के ऊपर किसी और की नजर नहीं है, पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की नजर में है वो हवाई जहाज। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्रिय लोगों, किसी की भी नजर हम पर ना हो, आपके टेक ऑफ के दौरान, आपकी यात्रा के दौरान, आपकी लैंडिंग के दौरान, आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की नजर में और
उसके रडार में नहीं हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नजरों में हो। वो हमारा एल रोई है। जब लग रहा था कि किसी की नजर हम पर नहीं और दूर एक किनारे में पहाड़ों के बीच में अकेले यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, हेलो, यीशु प्रार्थना तो कर रहे हैं पर यीशु की आंखों के सामने एक स्क्रीन है और आपका हाल और आपका हुलिया, आपको आंधियों ने किस हाल में हताश कर दिया, आप लहरों में कैसे फंसे हुए, ये सारी चीजें जैसे मेरे आंखों के सामने एक स्क्रीन और उस पे मुझे सब कुछ दिख रहा है, परमेश्वर की नजरों में मैं और आप हैं। परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है कि लहरें कितनी ऊंची हैं, हम तो कह रहे हैं ऊंची हैं, पर परमेश्वर को यह भी पता है कि कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर ऊंची लहरों के बीच में हमारी नाव फंसी हुई है। जरा जोर से बोलिए, चाहे कहीं भी फंसूं मैं हूं मेरे प्रभु की नजरों में, वो मेरा एल रोई है। चंद मिनट और परमेश्वर के वचन को धीरज के साथ सुने। जल्दी जल्दी दो पॉइंट और बोलना चाहता हूं और इन बातों को जल्दी से बोलना चाहता हूं। बोलिए, आंधी का एक मकसद है, आंधी का एक मकसद है। चौथी बात की तरफ बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। तो यीशु कब प्रकट हुए? जब कोई अपेक्षा नहीं थी। यीशु जब पानी के ऊपर चलकर आए, तो उन्होंने क्या बुलाया यीशु को? यीशु बोला क्या? भूत बोला। क्यों? क्योंकि उस समय यीशु के प्रकट होने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, वो समय तो भूत का ही समय था। रात के 3 बजे का समय सबसे ज़्यादा गहरा अंधकार होता है, सबसे ज़्यादा गहरा अंधकार पूरी रात में ये 2-2.5 बजे के बाद 4, 3:30, 4 बजे तक का समय होता है जब अंधकार सबसे गहरा होता है, और वो समय किसका समय होता है? भूत का। तो सामने यीशु भी प्रकट हो गए, तो चूंकि कोई अपेक्षा नहीं थी कि अब कोई हमारा बचाव होगा, तो यीशु को भी क्या बोला? भूत। तब यीशु ने वहां से क्या जवाब दिया? यीशु ने वही बोला जो हर आंधी के बीच में वो अपने भक्तों से बोलता है, हर तूफान के बीच में वो अपने भक्तों से और कुछ नहीं बोलता है। हालेलुया। आप अगर किसी भी तूफान में, किसी भी आंधी के बीच में, लहरों के बीच में अगर आप प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, तो प्रभु के पास बात करने के लिए और कुछ नहीं। जब वो मुंह खोलेगा तो वो यही बोलेगा, हियाव बांध, मत डर मैं हूं, हियाव बांध मत डर मैं हूं, और जब तक मैं हूं मैं तुझे संभालना भी जानता हूं। जब तक मैं हूं, ये आंधियां तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, जब तक ये मैं हूं तब तक मेरी आंखों में तू है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। किसी को वचन समझ में आ रहा है तो बोले प्रभु यीशु मसीह की। वचन से चलिए, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा का बंदा विश्वास से चलता है और विश्वास तो प्रभु के वचन पर होता है। पवित्र आत्मा को यहां पूरी आजादी मिले। हालेलुया। यीशु जब भी बोलते हैं, आप आंधियों के बीच में हैं और यीशु को बोलने का मौका मिले तो कुछ और सुनने की अपेक्षा मत करना। यीशु हर आंधी में अपने हर भक्त से यही कहते हैं, एक मत डर, दूसरा हियाव बांध है, बचाने की बात वगैरह बाद में करेगा, पहले आपसे बोलेगा आंधी मैं जानता हूं, मेरे जाने भी ना तू इस आंधी में नहीं फंसा है, मैं जानता हूं, मत डर, मत डर, और फिर हियाव बांध। हालेलुया। क्यों मत डर, क्यों हियाव बांध? क्योंकि मैं हूं, तेरी जिंदगी में मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु कैसे आए उनके पास? पानी पर चलते हुए आए, पानी पर चलते हुए आए। अब थोड़ा सा ध्यान देना लास्ट 2 पॉइंट्स की तरफ। पत्रस ने जब देखा कि यीशु पानी पर चलते हुए आ रहे हैं, तो शुरू में तो भूत कह दिया था, पर जैसे ही यीशु ने कुछ बोला, आवाज से साफ समझ में आ गया कि कौन है। सुनिए, कोई शक नहीं था, क्योंकि आगे पत्रस बोलता है यदि, पर यदि का मतलब शक नहीं है वहां पर, यदि का मतलब शक नहीं है। हालेलुया। जैसे ही आवाज सुनी तो स्पष्ट हो गया कि कौन है सामने, प्रभु है। तब पत्रस ने एक नतीजा बताया, हालेलुया। ध्यान से सुने, क्या पत्रस ने देखा कि प्रभु तो लहरों के ऊपर चल रहे हैं, इस आंधी के बीच में भी प्रभु क्या कर रहे हैं, लहरों के ऊपर चल रहे हैं। अब पत्रस बंदा अनोखा क्यों है,
समझने की कोशिश करें। उसने कहा प्रभु पानी के ऊपर चल रहे हैं, तो अगर प्रभु है तो प्रभु का बंदा मैं, मुझे भी पानी पर चलना है। प्रभु चला है तो मैं भी चल सकता हूं, यह है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पतरस औरों से थोड़ा सा अलग है, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। अगर यीशु मसीह ने कहा कि वो सारे काम जो मैंने किए तुम भी करोगे, जो मुझ पर विश्वास करता है वो सारे काम करेगा जो मैंने किए, वरन मुझसे भी बड़े काम करेगा, तो प्रभु के लोगों साधारण से तृप्त मत करना, मत रहना, हमेशा कहना प्रभु अगर तू है तो मैं भी कुछ असाधारण कदम रख सकता हूँ। हालेलुया, प्रभु अगर तू है तो मेरे द्वारा भी कुछ असाधारण कदम रखवा। जितने रिफ्यूअल के कैंडिडेट्स आए उनसे मैं कहना चाहता हूँ, साधारण जीवन को बाय बाय बोल दो, बोलो पतरस की तरह प्रभु अगर तू है तो मैं भी कुछ असाधारण कदम रखना चाहता हूं, क्योंकि अगर तू पानी के ऊपर चलता है तो मुझे इतना मालूम है तू मुझे भी पानी पर चला सकता है। इसलिए उसने कहा यदि तू है तो मुझे भी चलना है, आज्ञा दे। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु ने कहा कम, यीशु ने कहा कम, आ जा। बस एक वचन निकला, वचन ने पानी को फर्श बना दिया, वचन ने पानी को फर्श बना दिया। सुनिए, पानी तो पानी है, पानी तो पानी है, पैर रखते ही डूब जाएंगे। दुनिया को बोलने दो ये पानी है, पर जिसको प्रभु का वचन मिल गया उसको तो ये पता है कि अब मैं कदम रखूंगा तो पानी पे नहीं फर्श पे कदम रखूंगा। जिसको वचन मिल गया है उसको पता है कि मैं पानी पे कदम नहीं रख रहा हूं, मैं वचन पे कदम रख रहा हूं, और वचन पे रखा हुआ कदम कभी डूबता नहीं है। हालेलुया। क्यों आंधी के बीच में प्रभु हमें भेजता है, एक बात स्पष्ट करने के लिए, पॉइंट नंबर 4, वो आपके ऊपर, वो आपको लहरों पर चलाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मेक यू वॉक ऑन वॉटर। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग डरे हुए रहें, दबे हुए रहें, पराजित जिंदगी जिए। मसीही जीवन इजिकल टू, अगर आप लिखेंगे तो मैं इजिकल टू के आगे लिख दूंगा जय। अगर आप लिखेंगे मसीह जीवन इजिकल टू लिख देंगे तो मैं लिख दूंगा जय। हालेलुया। मसीह जीवन की पहचान है विजय। हम डूबते नहीं हैं, हम पानी के ऊपर चलते हैं। परमेश्वर इसलिए अनुमति देता है इन आंधियों की, क्योंकि उन समयों में परमेश्वर हमारे विश्वास को जरा खींचता है, और जो कदम हमने कभी नहीं रखे ना, ऐसे कदम रखने की उत्तेजना हमें देता है प्रभु। ऐसे प्रकाशन देता है जिसके द्वारा हम जो कदम हमने कभी नहीं रखा वो कदम हम रख पाते हैं। बहुत से अनुभव कहने का दिल तो कर रहा है, परंतु मेरा मांगा हुआ समय भी समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं इस समय कोई अनुभव नहीं कहना चाहता हूं, पर इतना बताना चाहता हूं आंधियों के बीच में ही मुझ दास ने परमेश्वर से कोई नया प्रकाशन पाकर ऐसे कदम रखने की हिम्मत पाई है, अगुवाई पाई है, जो जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई काम मैं कभी कर पाऊंगा। आंधियों के बीच में ही समझ में आया कि मसीह के द्वारा मैं क्या क्या कर सकता हूं, मसीह में मैं क्या क्या कर सकता हूं। यह आंधियों के बीच में ही समझ में आया, क्योंकि साधारण जीवन में साधारण कदम से काम चल जाता था, पर असाधारण परेशानियों के बीच में यीशु ने मुझे ऐसा समझाया, और यीशु हमको ऐसा समझाता है कि तू असाधारण चुनौतियों के बीच में असाधारण कदमों को रखकर तू इन चुनौतियों के ऊपर चल पड़ेगा, तू पानी के ऊपर चल पड़ेगा। चौथा मकसद है, वो हमें पानी के ऊपर चलते हुए देखना चाहता है। वो स्वयं केवल पानी के ऊपर चलता नहीं, हमको पानी के ऊपर चलाता है। और आखिरी पॉइंट, समय समाप्त हो गया इसलिए उस आयत को नहीं पढ़वाना चाहता। लिखा है पतरस ने यीशु की तरफ देखा और कदम रखा, बोले पानी पर चलने लगा। जब पानी पर चलने लगा ना, तो फोकस, ध्यान किसके ऊपर था? किसका वचन था? कान किसकी ओर थे? आंखें किसकी ओर थी? ध्यान किसकी ओर था? पानी के ऊपर चल रहा था। पर अचानक से पता क्या, यीशु के ऊपर से फोकस हटाया और आंधी की ओर देखा, लहरों की ओर देखा, तो डूबने लगा, चिल्लाया, तो यीशु ने हाथ पकड़े और उसको बचा लिया।
प्रभु एक बड़ी सबक हमें सीखना देना चाहता है। पांचवा पॉइंट, एक बड़ी सबक प्रभु देना चाहता है कि हमेशा फोकस यीशु के ऊपर होना चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, हेलो, इन सब बातों की बड़ी हमें फिक्र होती है। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, पर जिस वक्त हम अपना फोकस, अपना ध्यान यीशु के ऊपर से हटाते हैं, आंधी और पानी हम पर हावी होने लग जाते हैं। इसलिए प्रभु में प्रिय संतों, जब तक जीवित हैं, परिस्थितियों के ऊपर फोकस मत करें। ध्यान परिस्थितियों के ऊपर नहीं, ध्यान हवा के ऊपर और लहरों के ऊपर नहीं, ध्यान लोगों के ऊपर और लोगों की टिप्पणियों के ऊपर नहीं, हमेशा ध्यान यीशु के वचन के ऊपर। कान यीशु की आवाज़ की तरफ, नज़रें यीशु के दर्शन की तरफ। हालेलुया। जब तक आपकी नज़रें यीशु के दर्शन पर टिकी हैं, जब तक आपके कान यीशु की आवाज़ पर टिके हैं, दुनिया में कोई आंधी नहीं आई, दुनिया में कोई लहर नहीं आई जो आपको डुबो दे। हालेलुया। जब तक फोकस यीशु के ऊपर है, आप आंधी के ऊपर जयवंत रहेंगे। आंधी का एक मकसद है, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम जीवन की हर परिस्थिति में जयवंत रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें कि हम भी इस यात्रा में हमेशा जय में चलते रहें। और जब भी आपकी हमारी मुलाकात होगी, हम मुस्कुराते हुए मिलें, हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए मिलें, हम आंधी के बारे में बात करते हुए ना मिलें, हम लहरों के बारे में बात करते हुए ना मिलें, हम यीशु के बारे में बात करते हुए मिलने पाएं, हम बताने पाएं कि कैसे बीते दिनों में प्रभु ने हमको पानी पे चलाया है। हालेलुया। हम आपस में ये बोलने पाएं कि कैसे पिछले दिनों में परमेश्वर ने आंधियों और तूफानों के बीच में भी हमारी नाव के अंदर अपनी महिमा प्रकट की है, कैसे हम उस पार तक पहुंचे हैं। हालेलुया। लिखा है कि यूहन्ना 6 अध्याय में इसी भाग के बारे में लिखा है, यीशु आए, जैसे नाव में कदम रखा ना, नाव वहां पहुंच गई जहां उनको पहुंचना था। हालेलुया। बोले आंधी का एक मकसद है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको, हम सबको बहुत बहुत आशीष देने पाए। सारा आदर और सारी महिमा केवल और केवल यीशु मसीह को मिले। आप सबको धन्यवाद, कलीसिया को धन्यवाद, प्रभु के दास को धन्यवाद। जय मसीह की। अनुमति से नाव में चले हो, उसने आपको परमस उसमें बैठा दिया है कि आप चीन के उस पार चले जाए।
कोई आंधी कोई तूफान उसे नहीं रोक सकता जो यीशु को ताकता है। कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई आर्थिक संकट आपको रोक नहीं पाएगा अगर आपकी नजर यीशु के ऊपर है। Fix your eyes upon Jesus. Don't look here and there. Don't listen worldly things. संसारी बातों को मत सुनो, वो सुनो जो यीशु बोलता है। और यीशु कहता है, आ, मैं तुझे तूफानों पर चलना सिखाता हूँ, मैं तुझे आंधियों पर चलना सिखाता हूँ। जो तूफान और आंधी आई है उसका एक मकसद है, आपको कुछ नया रूप देने। इतने सुंदर तरीके से प्रभु के दास के द्वारा जीवित और महान परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आयरिस सदस्य लेकर हम तक तुम्हें संभाला, अब हम अपने घरों को जाना चाहते हैं। खुदा बाप हमारी मदद कर, इस वचन को मनन करने के लिए, इस वचन को मेडिटेशन करने के लिए, इसके ऊपर चलने के लिए हमें ताकत दे। प्रभु जब हम अपने घरों को जाते हैं हमारी सुरक्षा करते, जब तक हमें दूसरे से दोबारा में मिलते हैं हमें अपने पनाह में रखना होगा। हमारी बीमारियां यीशु के नाम में चली जाए, हमारी परेशानियां यीशु के नाम में चली जाए। हर वो आंधी और तूफान तू डांट के थपा देता है प्रभु, और वचन में लिखा है प्रभु जब तू उस नाव में आ गया तो उस जगह पर चैन आ गया।